हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर दिलदार हाशमी। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि मैं आप लोगों के लिए नीट यूजी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को काउंसलिंग से पहले पहले अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उस मेडिकल कॉलेज को लेकर के फुल्ली प्रिपेयर हो सकते हैं। अलग अलग मेडिकल कॉलेजों के अलग अलग रिव्यू कर रखी है मैंने, अलग अलग स्टेज वाइज कट ऑफ एंड किस कॉलेज की क्या खूबी क्या खामी है, उन सब से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग डिम्ड यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आपका जो है क्या मार्क्स होना चाहिए, कितने मार्क्स पे वो मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकता है और कितना फ़ी स्ट्रक्चर रहता है, इन सब के रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ। ओके, तो इस लिस्ट में मैंने टोटल 49 मेडिकल कॉलेजेस को डाला है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू जिसकी काउंसलिंग होती है। कट ऑफ हाई से लेके लॉ तक, मतलब बहुत कम मार्क्स भी हो तब भी कॉलेज मिल सकता है, बहुत अच्छे मार्क्स हो तब भी आपको कॉलेज मिल सकता है डीम्ड यूनिवर्सिटी में। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। और इस लिस्ट में मैंने कुछ कॉलेजेस को 4 स्टार दिया हुआ है और कुछ कॉलेजों को 5 स्टार दिया हुआ है और कुछ कॉलेजों में मैंने कुछ भी नहीं दिया हुआ है। राइट, यहाँ 5 स्टार देख रहे हैं, यहाँ 4 स्टार देख रहे हैं। तो कुछ कॉलेजों में मैंने स्टार दे रखा है, तो इन स्टार का क्या मतलब है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले इस वीडियो में पूरे 49 मेडिकल कॉलेजेस जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू आते हैं 2022 बैच में क्या कट ऑफ गया था उसके बारे में और उनकी फ़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। राइट, जो कट ऑफ है लगभग इसी के आसपास रहने वाली है, वो भी एक आइडिया आपको देंगे। जो पहला मेडिकल कॉलेज है इस लिस्ट में, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल। ओके, इसमें नीट यूजी में फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गया था 554 मार्क्स। ये जितने भी कट ऑफ मैं बताऊंगा राउंड वन के बारे में है। एंड द फी स्ट्रक्चर इज 17.80 लाख पर एनम, 17,80,000 पर एनम। दूसरा मेडिकल कॉलेज हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, 552 मार्क्स, 14 लाख इसकी ट्यूशन फीस पर एनम है, 552 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए। और ये मेडिकल कॉलेज मुस्लिम माइनॉरिटी में है, किसमें, मुस्लिम माइनॉरिटी में है ये मेडिकल कॉलेज। ओके, तो जो ये कट ऑफ है 479 मार्क्स, ये मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए ये कट ऑफ था। राइट, कोई भी स्टूडेंट मुस्लिम है तो उसका थोड़े से कम मार्क्स में उसको कॉलेज मिल सकता है, बाकी जनरल कट ऑफ 552 मार्क्स था। तीसरा मेडिकल कॉलेज है सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज पुणे, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, यहाँ पे बॉयज़ नहीं पढ़ते हैं। नीट यूजी मार्क्स 538, फी स्ट्रक्चर इज 10 लाख पर एनम। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, डीम्ड यूनिवर्सिटी में सबसे कम फीस के साथ में अभी यही मेडिकल कॉलेज है, 10 लाख पर एनम, है ना। मतलब बहुत कम फीस स्ट्रक्चर है प्राइवेट और डीम्ड के हिसाब से, लेकिन गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है, इसलिए कट ऑफ एक तो बहुत ज़्यादा हाई जाती है और फीस स्ट्रक्चर कम होने के कारण भी कट ऑफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। अगर बात करें तो इस बार यानी 2022 में KMC मणिपाल का कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गया था, लेकिन उससे पहले हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाता था फर्स्ट राउंड में, लेकिन सेकंड राउंड में वहीं फिर हमदर्द KMC को पीछे कर दिया। हमदर्द का कट ऑफ और ज़्यादा सेकंड राउंड में हो गया था कंपेयर टू KMC मणिपाल। तो चलिए एक बार पूरा पहले देख लीजिए और बातें करेंगे। KMC मैंगलोर कट ऑफ इज़ 530, फी स्ट्रक्चर इज सेम दैट ऑफ KMC मणिपाल, 17,80,000। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज 488 मार्क्स, ये इसका ट्यूशन फीस पर एनम 16,19,000। JSS मेडिकल कॉलेज मैसूर 429 मार्क्स, ये इसका क्या है, ट्यूशन फीस पर एनम है। KSH मेडिकल कॉलेज मैंगलोर 432 मार्क्स पे मिला था, ये इसका ट्यूशन फीस है 16,80,000। रूरल मेडिकल कॉलेज पिम्स लोनी, पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राइट, रूरल मेडिकल कॉलेज जो लोनी में है, 455 मार्क्स पे ये कॉलेज मिला था, ये इसका ट्यूशन फीस है। SDU मेडिकल कॉलेज कोलार 388 ट्यूशन फीस, SBKS मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च 345, ये इसका ट्यूशन फीस। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, 420 मार्क्स पे ये कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में। ये इसका ट्यूशन फीस 18,30,000। आगे के कुछ मेडिकल कॉलेज देखिए, एक बार पहले देख लीजिए पूरा, फिर आगे की बात और करेंगे। अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कोची में है, 413 मार्क्स, 19 लाख ट्यूशन फीस। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर, 359 मार्क्स वॉज द कट ऑफ, 18.50 लाख इज द ट्यूशन फीस पर एनम। जगत गुरु जो हुबली में है मेडिकल कॉलेज, 442 मार्क्स, 14.40 लाख इज द एनुअल ट्यूशन फीस। यन्नापोया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, ये भी एक मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है। एक तो आपका हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दो ही मेडिकल कॉलेज है जो मुस्लिम माइनॉरिटी में है, एक यन्नापोया मेडिकल कॉलेज, दूसरा मैंने वहाँ पे हमदर्द बताया। तो मुस्लिम माइनॉरिटी में 372 कट ऑफ था और जनरल में 380 मार्क्स भी ये कॉलेज मिला था। 18.50 लाख पर एनम इज़ द ट्यूशन फीस। MGM मेडिकल कॉलेज नेवी मुंबई, 392, 20 लाख इज़ द ट्यूशन फीस। रामचंद्र मेडिकल कॉलेज, 357 कट ऑफ, 25 लाख पर एनम इज़ द ट्यूशन फीस। MM इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च मुलाना, 313 मार्क्स कट ऑफ, 17 लाख पर एनम इज़ द ट्यूशन फीस। भारतीय विद्यापीठ DU मेडिकल कॉलेज पुणे, 327 मार्क्स इज़ द नीट UG कट ऑफ फॉर फर्स्ट राउंड एंड 21.33 लाख इज़ द ट्यूशन फीस। ओके, नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SUM भुवनेश्वर, 322 मार्क्स पर फर्स्ट राउंड में मिला था। ये इसका क्या है पर एनम ट्यूशन फीस है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ साथ ताकि आपको चॉइस फिलिंग करने में ईजी हो सके। अब नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज इस लिस्ट में, टोटल 49 मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे। श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज टुमकुर, 337 कट ऑफ, दिस इज द ट्यूशन फीस पर एनम। MGM मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद, ये महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के नाम से है, 373 मार्क्स इज द नीट UG कट ऑफ, 20 लाख पर एनम इज द ट्यूशन फीस। BLDE यूनिवर्सिटी बीजापुर, 358 मार्क्स इज कट ऑफ, 18 लाख पर एनम इज ट्यूशन फीस। श्री सिद्धार्था एकेडमी, 287 कट ऑफ, 18.74 लाख पर एनम इज द ट्यूशन फीस। BVDU डिम्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सांगली, 255 मार्क्स इज द कट ऑफ, दिस इज द पर एनम ट्यूशन फीस। डॉक्टर DY पाटिल कोल्हापुर, 300 मार्क्स पे मिला था, 20.60 लाख इज़ द ट्यूशन फीस पर एनम। राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु, 280 मार्क्स पे मिला था, 23 लाख इसका ट्यूशन फीस पर एनम था। राइट, SRMS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई, 181 मार्क्स पे मिला था, 25 लाख पर एनम इज द ट्यूशन फीस। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कैराड, 234 मार्क्स कट ऑफ, 22.50 लाख पर एनम इज द ट्यूशन फीस। डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पुणे, 230 मार्क्स, 25 लाख पर एनम इज द ट्यूशन फीस। एक ऊपर आपने कोल्हापुर देखा था जिसका कट ऑफ 300 था, और यहाँ पे आप पुणे देख रहे हैं जिसका कट ऑफ 230 है। डिफरेंस क्यों इतना बड़ा है, देखिए कोल्हापुर में आप ट्यूशन फीस देखेंगे तो 20.60 लाख है पर एनम, और वहीं पे पुणे में 25 लाख पर एनम ट्यूशन फीस है। मतलब जितना ज़्यादा ट्यूशन फीस बढ़ रहा है वैसे वैसे कट ऑफ उन मेडिकल कॉलेजों की कम हो रही है। ओके, नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज आप देखिए, सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई, 226 मार्क्स पे मिला था, ये इसका ट्यूशन फीस है। डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज जो नेवी मुंबई में है, इसका फीस और ज़्यादा है, 26 लाख पर एनम। तो आप देखिए कट ऑफ इसका और कम हुआ है, 219 मार्क्स। JLN जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज दत्ता मेगी वर्धा, 232 मार्क्स,
19.50 lakh is the tuition fees per annum. Okay. नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज इज दत्ता मेघी मेडिकल कॉलेज नागपुर में जो है 219 मार्क्स पे मिला था 19.50 lakh पर एनम इज द ट्यूशन फीस. विनायक मिशन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 197 मार्क्स पे मिल गया था 18.50 lakh पर एनम इज द ट्यूशन फीस. देखिए यहाँ पे भी मैंने 5 स्टार दे रखा है, इसके बारे में बात करेंगे. गीताम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च विशाखापट्टनम 181 मार्क्स 25.37 lakh इज द ट्यूशन फीस पर एनम. संतोष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गाजियाबाद 179 मार्क्स पर मिला था, ट्यूशन फीस इज 24 लाख पर एनम. अरुपदी वेदु मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पुंडिचेरी 139 मार्क्स पर ये कॉलेज अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड में 19.50 लाख, 19.5 लाख रुपये पर एनम इसका फीस है. MGM मेडिकल MGM एन श्री बालाजी विद्यापीठ पौंडीचेरी 171 मार्क्स पे मिला था, 22 लाख पर एनम इसका ट्यूशन फीस है. नेक्स्ट इज श्री ललिताम वेगी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 161 मार्क्स पे मिला था, 19 लाख इसका ट्यूशन फीस है. ठीक, अब लास्ट स्लाइड की तरफ हम लोग आ गए हैं, उसके बाद कुछ और बात करेंगे. यहाँ पे ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजों को 5 स्टार दिया हुआ है, राइट. इसका क्या मतलब है अभी बताएंगे. 41 में है चेटिनाड हॉस्पिटल एंड रिसर्च कांचीपुरम 148 मार्क्स पे ये कॉलेज मिला था, 24.5 लाख रुपये इसका ट्यूशन फीस है. VMKV मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सालेम 142 मार्क्स पे मिला था, 20 लाख पर एनम इसका ट्यूशन फीस है. श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई 130 मार्क्स पर मिला था, 25 लाख पर एनम इज द ट्यूशन फीस ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज. मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 128 मार्क्स पर मिला था, 22.50 लाख, 22.5 लाख रुपये पर एनम इसका ट्यूशन फीस है. ACS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई 122 मार्क्स पे ये कॉलेज अलॉट हुआ, 23 लाख पर एनम इसका ट्यूशन फीस है. उसके बाद श्री लक्ष्मी नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पौंडीचेरी 122 मार्क्स पे मिला, 22 लाख पर एनम ट्यूशन फीस है. VELS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 103 मार्क्स पे मिला, 21 लाख पर एनम इसका ट्यूशन फीस है. नेक्स्ट जो लास्ट के दो मेडिकल कॉलेज रह गए जिसकी कट ऑफ भी सबसे कम गई, भारत मेडिकल कॉलेज एंड श्री सत्या साई मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई 93 मार्क्स ओनली कट ऑफ इसका, सबसे कम कट ऑफ इसी मेडिकल कॉलेज का गया जनरल कैटेगरी में. ओके, 93 मार्क्स पे मिला, 20 लाख पर एनम इसका ट्यूशन फीस है. भारत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 97 मार्क्स पे ये मेडिकल कॉलेज मिला, 23 लाख पर एनम इसका ट्यूशन फीस है. ओके, ये लिस्ट तो आपने पूरी की पूरी देख ली, आपको अभी टाइम देंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए. उससे पहले आपको पता होना चाहिए जो वीडियो बना रहा है आपके लिए हमेशा कॉन्स्टेंटली वो है डॉक्टर दिलदार हाशमी एंड आई हैव डन माई MBBS इन 2022. ओके, करंटली आई एम वर्किंग एज ए JR. ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट वन. उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये 5 स्टार एंड 4 स्टार की बात कर रहे थे, ओके, तो वो एक बार देख लीजिए. जो 5 स्टार मेडिकल कॉलेज मैंने दिया है, ये ऐसा नहीं है कि ये सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में है. 5 स्टार का मतलब ये है कि जो मैंने ट्यूशन फीस बताया यहाँ पे, जैसे भारत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड श्री सत्या, यहाँ पे मैंने 5 स्टार दिया है, ट्यूशन फीस 23 लाख पर एनम है और यहाँ पे 20 लाख पर एनम है. तो ये 5 स्टार का मतलब क्या हुआ कि ट्यूशन फीस यहाँ पे जो है 5 साल के लिए ली जाएगी, 4-5 ईयर्स. ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजों में रूल्स ये होता है कि द ट्यूशन फीस वुड बी टेकन फॉर 4.5 ईयर्स, मतलब 4 साल की पूरी फीस और लास्ट ईयर मतलब जो 5वां साल है आपका उसमें हाफ फीस ली जाती है. ओके, मतलब जितना फीस है, जहाँ मान लिया 20 लाख है, तो
4 साल तो 20 लाख ली जाएगी और जो हाफ ईयर रह गए उसके लिए 10 लाख ली जाएगी। ओके, मतलब ये 4.5 ईयर्स के लिए मोस्टली कॉलेजेस में फ़ीस ली जाती है, लेकिन कुछ मेडिकल कॉलेजों में जिनमें मैंने 5 स्टार दिया है वहाँ पे 5 साल की फ़ीस आपको ली जाएगी। ओके, तो एक बार आप देख लीजिए ये। हाँ, और कुछ कॉलेजों में मैंने 4 स्टार भी दिया था, तो 4 स्टार का मतलब क्या होगा, वहाँ पे जो ट्यूशन फीस ली जाएगी सिर्फ 4 ईयर्स के लिए ली जाएगी। ओके, ट्यूशन फीस वुड बी टेकन फॉर ओनली 4 ईयर्स। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कुछ और बात करेंगे, राइट। सारे कट ऑफ मैंने डिस्कस कर लिए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो मैंने ये सारे मेडिकल कॉलेज, जो 49 मेडिकल कॉलेज है, उनकी मैंने कट ऑफ आपको यहाँ पे बता रखी है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके मार्क्स जितने भी आ रहे हैं इस बार नीट यूजी में, उसके हिसाब से अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से मेडिकल आपके मार्क्स में मिल सकता है। तो एक बार मान लिया कि आपका मार्क्स 350 है, तो 350 से नीचे जिस भी मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ गया है, या इससे 10 या 15 नंबर आगे पीछे, राइट, मे बी 350 अगर आपको इस बार मार्क्स है, तो जो कॉलेजेस 360 या 365 में लास्ट ईयर मिले थे वो भी आपको मिल सकते हैं, या थोड़ा सा कम कीजिएगा तो आपको 340 के आसपास जो कॉलेजेस मिले थे वो भी कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, यानी उससे नीचे कट ऑफ जिसकी भी जाएगी वो सारे मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकता है। तो अब आपको क्या करना है कि आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू काउंसलिंग कराना चाहते हैं और कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कॉलेजेस की लिस्ट बना सकते हैं कि आपको 350 से नीचे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको मिल सकते हैं, और उस कॉलेजेस के ऊपर आपको स्टडी करनी है कि ये तो ट्यूशन फीस पर एनम मैंने बता रखा है, 4 साल या 5 साल के लिए लिया जाएगा वो मैंने बता रखा है, बाकी उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट आपको विजिट करनी है, राइट, उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट आपको विजिट करनी है और वहाँ से आपको फाइंड आउट करना है कि वहाँ पर हॉस्टल चार्ज, हॉस्टल फीस, एग्ज़ाम फीस और मिसलेनियस और अदर चार्ज या सिक्योरिटी डिपॉजिट और क्या क्या लिया जाता है वो आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक ओवरऑल एस्टिमेट मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज पे वर्क करना है और कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकता है, और ताकि आप उन मेडिकल कॉलेज को लेके फुल्ली प्रिपेयर हो सकें और काउंसलिंग से पहले पहले आपके पास में पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। तो इस वीडियो में मैंने राउंड 1 की कट ऑफ की बात की है और फीस स्ट्रक्चर की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो ये डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें राउंड 1 राउंड 2 के कट ऑफ को कंपेयर करके मैं आगे बात करने वाला हूँ कि क्या कट ऑफ का डिफरेंस था, और बाकी किसी अदर स्टेट के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने पूरी की पूरी वीडियोस अपलोड कर रखी है, आप जा करके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और कोई भी डाउट आपको होता है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो डॉक्टर दिलदार हाशमी के नाम से, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।